हेलो वेलकम यू ऑल गाइस स्वागत आप सभी का सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस लो और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आज अपने बिजनेस और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सही सुना आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन तो ये पार्ट पढ़ने से पहले बता देता हूं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं

अपना पूरा पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर लेंगे अपनी ही एक सिंगल क्लास के अंदर तो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सीधा मुद्दे पे आते हैं चलो भैया है, स्टार्ट करते हैं तो हम पहले बनाएंगे नोट, तो मेरे साथ में बैठ के बनाएंगे नोट और चालू करते हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू विच कवर जो आपके पास में करीबन 23 टू 25 मार्क्स तक कवर करता है क्या बात कर रहे हो सर एग्जैक्टली exactly, बेटे सिर्फ इतना ही नहीं तेईस नंबर से लेके पच्चीस नंबर तक का काम सिर्फ और सिर्फ आपके इस अकेले एक्ट ने संभाल रखा है इसलिए ये चैप्टर बन जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आइए स्टार्ट करते हैं लिखना चालू करते हैं तो पहली बात मैं शुरुआत करूंगा कि आपके पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना कहां से आया और कैसे वो बातें करेंगे फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इसकी बाकी डिस्कशन शालू करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरुआत में बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था तो लिखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन ईयर से क्लियर है एटीन सेवन टू बात करें ब्रिटिश की तो कब बना लिखो वॉज फॉर्म डॉन साथ में बनाएंगे चार्ट क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही कुछ बॉक्स बना ली इन्हें हम फिल करते हैं अपने पास में ठीक है तो लिखो वॉज फॉर्म डॉन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल एटीन सेवन टू मतलब क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में आता है बेटे आता है तभी तो लिख रहे हैं तो क्या बोला 25 अप्रैल अठारह में इस एक्ट को बनाया गया था इस एक्ट को बनाया गया था तो एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन पूछा कि बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना तो आंसर स्पष्ट है सीधा हमें याद है सर 25 अप्रैल अठारह में एक्ट बनाया गया था अब होता क्या ना बेटा जब कोई एक्ट बनाया जाता है ना तो एक्ट के बनने के बाद सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो एक्ट के बनने के बाद उसे जनरल पब्लिक पर अप्लाई किया जाता है ऑब्वियसर पता है हमको पता है कैसे पता है? अब बात समझते हैं इस बारे में कि जनरल एग्जांपल के लिए जब एक्ट बना दिया गया तो उस एक्ट को बनाने के बाद में आम जनता पर गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है उसी वर्ड को बोलते हैं एनफोर्समेंट क्या बोलते हैं एनफोर्समेंट इसी को बोलते हैं फोर्समेंट या इसी को बोलते हैं एप्लीकेबल तो लिखते हैं कि 25 अप्रैल को बना हुआ एक्ट कब लागू हुआ था लिखो बेटे लिखो स इट वाज केम इनटू फोर्स इट वाज केम इनटू फोर्स तो वाई एम राइटिंग दी वर्ड फोर्स इट सिंपली मीन एनफोर्समेंट क्या बोलते हैं इसको एनफोर्समेंट दैट मीन इसी को बोलते हैं एप्लीकेबल कब हुआ ऑन फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर लिखना चालू फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर 1872 मतलब 25 अप्रैल को बना हुआ एक्ट 1 एक सितंबर को आम जनता पर एप्लीकेबल हो गया था इसके सारे के सारे प्रोविजन के लिए

होल ऑफ इंडिया क्या बोलूंगा टू दी होल ऑफ इंडिया हम बात इंडिया की कर रहे हैं ना भैया हम तो यहां रहते हैं तो होल ऑफ इंडिया पूरे भारत देश के ऊपर ये एक्ट और इसके सारे प्रोविजन एप्लीकेबल है पहले होता ना भैया एग्जाम्पल आर्टिकल थ्री सेवन पहले लिखते थे हमारे पास में एक्सेप्ट आर्टिकल थ्री सेवन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान का आर्टिकल थ्री सेवन हुआ करता जो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया करता था स्पेशल प्रिविलेज के बारे में हम पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं तो हम आगे और डिटेल में हम उस बारे, बारे में बाद में पढ़ेंगे अभी हमारे काम की चीज क्या है कि हम जो पढ़ चुके हैं कि आपको याद रखना कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके सारे के सारे प्रोविजन पूरे इंडिया पर अप्लाई है मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं जितने भी होता वो सारे इसको करने के लिए है आगे आते हैं तो वर्ड याद रहेगा लेकिन अभी हट चुका है क्योंकि दो में इन टू आर्टिकल थ्री को हटा दिया गया तो हटने के बाद क्या करोगे? अब थोड़ी हाँ, अप्लाई होगा वहाँ पर तो उसको हम लिखने की सिंपली बोलोगे को बना कब लागू हुआ, 1 को लागू हुआ. उसके बाद एप्लीकेबल है बोलो 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 एप्लीकेबल है एप्लिकेवल दी इंडिया. आगे आते हैं। सर अब एक बार पूछता हूं रिप्लाई करना छोटी सी बात पूछता हूं जब अब आपके पास में

अब बाद में उसको जेल की इंप्रीजनमेंट के टाइम पीरियड को पांच साल कर दिया गया तो कौन सा लेके चलोगे बताना? सर कौन सा लेके चलोगे? दो साल लेके चलोगे या साल लेके चलोगे? सर जो चेंज हो गया उसको लेके चलोगे तो वही तो लिखा हुआ इसके अंदर एक वर्ड आता है यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव तो लिखो दिस एक्ट डेव दिस एक्ट डज नॉट इफेक्ट मतलब एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को कंटिन्यू नहीं करता मतलब सर इसका मतलब क्या सीखा? बेटा का मतलब होता है, जो चीज़ पास्ट से रिलेट करती है जो past, उसे बोलते हैं ये वर्ड जहां भी आएगा इसका मीनिंग यही रहने वाला ठीक है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता मतलब पास्ट को लेकर नहीं चलोगे तो क्या लेके चलोगे जो आ गया मतलब जो आ गया और जो फ्यूचर में आएंगे उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या इफेक्ट है प्रोस्पेक्टिव तो हाँ इफेक्ट मतलब को इंक्लूड करता है मतलब क्या हुआ समझ में आया देखो तो चार चीजें लिखी हम लोगों ने रिवाइज करते हैं याद करते है, hand -hand. फिर 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 हैं क्योंकि फिर क्वेश्चन भी है हम इसके ऊपर पहला प्रश्न कब बना था सर बना था 25 अप्रैल अठारह में अप्लाई कब हुआ फर्स्ट सितंबर में अप्लाई हुआ लेकिन यहां पर एक बात और पूछता हूं आप लोगों से निकल गई बात तो बात तो की जाएगी ना भाई एक बात बताओ छोटी सी बात कर रिप्लाई करना अठारह में क्या इंडियन गवर्नमेंट थी क्या ओ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं थी तो कौन थी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इसीलिए कहा जाता है कि सर अगर एक्ट बनाया गया था तो किसने बनाया था तो लिखा जाता है बेटा बाई दी लिख लो बाई दी प्री लेजिसलेच क्या बोलते हैं बाई दी प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब भारत के आजाद होने से पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया भारत के आजाद होने से पहले जो भी लॉ मेकर्स थे मतलब सर मतलब ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे ना लेजिस्लेचर इसका मतलब होता है लॉ मेकर्स तो जो भी लॉ मेकर्स थे पहले वाले उन्होंने इस एक्ट को बनाया था तो कौन थे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इसलिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि बताओ किसने बनाया तो दो प्रश्न बनते हैं यहां पर पहला प्रश्न बनता है हमारे पास में किसने बनाया अगर आंसर आया तो फर्स्ट आंसर क्या हमारे पास में ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर ये पूछा गया बनाया किसने था तो हमारा आंसर टिक करके आएंगे हम कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला लेकिन सेकंड साइड में अगर बोला गया भैया के बाद बोला गया तो आज के दिन देश में कौन बनाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट लिख टिक करने वाले और अगर बोला गया किसके बारे में 47 के बाद में बोला गया तो इंडियन पार्लियामेंट करके आएंगे रिवाइज कर लो रिकॉल कर लेते हैं याद कर लेते है, हैं पांच चीजें पहली बात बोला 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 कौन सी बात पहली कब बनाया गया पच्चीस अप्रैल को बनाया गया कब अपलीबल हुआ फर्स्ट सितंबर पर याद करो याद हुआ बोलो याद हुआ हा हुआ सर फर्स्ट सितंबर को अप्लाई हुआ उसके बाद कहां एप्लीकेबल आज के दिन टू द होल ऑफ इंडिया सब पूरे देश की हर एक स्टेट और हर एक पब्लिक पर अप्लाई है. हम भी हम तो इंक्लूड है ही ना वही इसके अंदर थर्ड फोर्थ कौन सा सर डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट से रिलेट नहीं करता जो भी चेंज आएंगे उन्हें कंटिन्यू किया जाता है ऑब्वियस और ये लोगों की खास बात है कि जब भी कोई चेंज आ चुका होगा आप चेंज को लेकर चलने वाले होते हैं नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव का मतलब वही हुआ कि भाई अब जो आ चुका करंट और फ्यूचर वाला पार्ट उसे कंटिन्यू करोगे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है हमारे पास अगला प्रश्न था किसने बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब कौन बना रहा है इंडियन पार्लियामेंट इजी क्लियर तो ये बातें याद रहेंगी बोलो ये बेसिक इंट्रो वाली बात थी किसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके लेकिन अब बच्चे के मन में प्रश्न आया लिखा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो हमें यह तो बता दो सर इतनी कहानी चल गई ये तो बता दो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट किस बला का नाम है कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं तो बात करते हैं अगली स्लाइड हमारे पास में यहां तक क्लियर है ना बोलो दिल पे हाथ के बोल सही है नहीं यहां तक क्लियर है। अब आते अगले प्रश्न के ऊपर आपने बोला उसी को पिक कर रहा हूं द नेम इज कॉन्ट्रैक्ट ये बॉक्सिस आप आपको भी आइडिया मिल जाएगा अच्छा ये कहना चाहते हो यस तो बात कर रहे हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसके ऊपर पूरा एक्ट चल रहा है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट इंडियन तो पता है, हमें, एक्ट के, एक्ट क्या होता है? इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ पर हम बात करता है के सीखते हैं, इसकी आप लोग है ना लिखो तो पहला वर्ड लिखो बेटा ऑफर पहला वर्ड क्या लिखेंगे ऑफर समझाऊंगा सारी बातें दूसरा वर्ड लिखो अभी एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को और एग्जाम्पल से हम पूरा पार्ट सीख लेंगे दूसरा वर्ड लिखा मैंने एक्सेप्टेंस थर्ड लिख रहा हूं मैं कंसिडरेशन थर्ड क्या लिख रहा हूं मैं कंसिडरेशन एंड फोर्थ इज लिख रहा हूं एनफोर्सिएबल बाय लो सर जादू दिखाने वाला हाँ बेटा जादू ही समझ लो इसको तो एनफोर्सिएबल बाय लो तो मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने यहां पे लिखे हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं समझाने वाला हूं आप लोगों को ओके सुनना कॉन्ट्रैक्ट के लिए चार वर्ड लिखे ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन और एनफोर्सिएबल बाय लॉ अब समझना मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेता हूं समझना ठीक है कि ऑफर क्या होता है एक्सेप्टेंस क्या होता है कंसिड्रेशन क्या होता है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है समझना जान से मुझे कुछ आइटम दिख जाए अपने आस पास में मिल गया <clears throat> मिल गया बेटा मिल गया फोन मिल गया सर फोन हेलो हेलो करने वाला हेलो नहीं करने वाले समझने वाले अब बात करते हैं गाइस सामने फोकस सामने ध्यान सुन, सुनना सुन, मेरा एग्जांपल सुनना और एग्जांपल अगर कनेक्ट हो गया ना गारंटी जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट याद रहेगा हमेशा की डेफिनेशन क्या है ऑफर क्या क्लियर रहेगा चलो तो बातें करते हैं ठीक है बातें करते समझना बात कर रहे हैं हम ठीक सेल दिस सेल फोन टू यू फॉर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड मैं ये फोन तुम्हें पचास हजार में बेचना चाहता हूं बताओ बेटे क्या मैंने तुम्हें ऑफर दिया हा या ना क्या मैंने तुम्हें ऑफर दिया यस और नो सर ऑफर दिया आपने हमें आपने ऑफर दिया सर हमें मानते अब बताओ अगले प्रश्न पे आता हूं अब जैसे तुमने बोला कि सर ओके वी आर रेडी टू वाई दिस तो इसे क्या बोलूंगा बताना इसका मतलब मेरा दिया गया ऑफर आपने कर लिया क्या आपने कर लिया उस ऑफर को एक्सेप्ट क्या कर लिया आपने उस ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट तो ऑफर दिया और आपने क्या बोला एक्सेप्टेड तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है क्या बोलते हैं फोकस आपने अब सुनना ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को लो में एक लीगल वर्ड दिया गया जिसका नाम है बेटे क्या बोलते है इसको? कहते हैं हैं इसको कहते कि सर ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे प्रोमिस कहा जाता है क्या बोलते हैं अब आप अब प्रोमिस तो बनेगा ना अब मेरा प्रोमिस क्या है कि मैं तुम्हें फोन बेचूंगा और तुम्हारा प्रोमिस क्या है तुम मुझे पचास हजार रुपए

यहां तक क्लियर है अब क्या हुआ अब समझना दिख 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 रहा 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 है, चला दिख रहा है। है, यूं चला अब हुआ क्या जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया offer प्लस में क्या? कंसीडरेशन सर ये क्या होता है consideration? आओ बात कर लेते हैं इसके बारे में one by one सीखते हैं, ठीक है तो ऑफर क्लियर है क्लियर है? है सर एक्सेप्टेंस क्लियर okay, है अब वर्ड है बड़ा कंसिडरेशन क्या होता है याद रखना जिन चीजों को लेके जिन सारी चीजों को लेके चाहे फोन की बात करूं सैनिटाइजर की बात जो भी मुझे अपने आसपास देखो ना आइटम रखे कितने सारे खरीद के लेके आए ना चुरा के थोड़ी लेके आए हम लोग है ना तो खरीद के लाए हो ना तो आस आइटम देखो ओ मैं इसके लिए पैसे दे आया था तो उसने मुझे था ना तुम्हारा मोबाइल फोन देख लो तुम्हारा लैपटॉप देख लो वही तो है ना तो पेमेंट दे आए थे ना तो एक ऑफर हुआ होगा और तुमने उसको एक्सेप्ट किया होगा हाँ है ना

समझ तो रहे क्या बोल रहा हूं ये नहीं है कि अच्छा एक दो तीन इनको जोड़ेगा नो पॉसिबिलिटी बजाय लिख दे प्रॉमिस प्लस तो ही नहीं या offer, accepted, और क्या क्या इसे बोलते है अग्रीमेंट क्योंकि लॉ ने कहीं नहीं लिखा हुआ क्या अग्रीमेंट हमेशा लिखकर होता है क्या बात कर रहा हूं तो सुनते आए सुनते आए बेशक लेकिन होता नहीं है लो ने तो बोल दे उसके नहीं तो क्या बोला सर अब बन गया अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट का मीनिंग नॉर्मली हम सीखेंगे डेफिनेशन सीखेंगे। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन हमने क्या किया एक जो प्रॉमिस किया किया है ना तो हमारे प्रॉमिसिस ने क्या बनाया मिलके कंसीडरेशन बनाया क्या बनाया हमारा और देख रहा है ये हमारा प्रॉमिस में ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बन गया प्रॉमिस तो क्या बना प्रॉमिस तो उसने क्या बनाया जो बनाया क्या बनाया कंसीडरेशन क्या कहते हैं उसको कंसीडरेशन तो वर्ड क्या आया एग्रीमेंट वाला वर्ड जब अब आगे वर्ड पढ़ते हैं एक दो तीन क्लियर हो गए ठीक है तो फिर डेफिन दिखाता हूं पहला देखो चेक करो नंबर वन ये रहा नंबर टू ये रहा रहा नंबर 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 दिख है सीक्वेंस दो तीन चार पाँच दिखा आगे अब बताओ अग्रीमेंट तो बन गया तो बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं बताना मुझे एग्जाम्पल लेता हूं समझाना रिवर्ट करना क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक है सुनना मैंने किसी को ना मर्डर करने के लिए ऑफर दिया मैंने बोला भाई देख सुन पांच लाख रुपए दे रहा हूं किसी का मर्डर करना है उसका उसको टपका डालना है ठीक है सुपारी लेने वाली बात कर रहा हूं क्या बात कर रहा हूं सुन लो एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम रिप्लाई कर रहे इस बात का तो मैंने किसी को ऑफर दिया कि किसी का मर्डर करना है एंड आई विल गिव यू फाइव लाख रुपीज बताओ दिल पे आता के बताओ क्या यह ऑफर नहीं है क्या सर ऑफर तो है अच्छा बताओ तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया हम कर देंगे सर हम टपका डालेंगे आपके लिए है ना क्या बन गया ये बन गया एक्सेप्टेंस वाला पार्ट तो ऑफर प्लस एक्सेप्ट क्या बन गया Promise, तो तो हो गया हमारे बीच में चेक करो क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है चेक 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 करो सोचो अपने आप से क्या हमारे बीच में है 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 सर तो ना पांच लाख रुपए और मर्डर करने की सर्विस है नहीं है कंसिडरेशन भी है तो क्या बन गया हमारे बीच में क्या बन गया बोलो एज पर लो क्या बन गया अग्रीमेंट बन गया अब अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे बीच में बना हुआ अग्रीमेंट को लो परमिशन देगा एनफोर्स मतलब

क्या कहता है उसको उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं सर अब लिख दिख रहा क्या बोलेगा अभी दिखाओ सर इसको कहां पे लिख दिखाता हूं देखो बेटा ये हमारा पार्ट है चैप्टर का दिखाता हूं तुम्हें कुछ पार्ट साक्षात दर्शन कर लो बेटे देखो ध्यान से विजिबल है लेट मी शो यू दिखा देता हूं ठीक है ये देखना यहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये लीगल है लोग के अंदर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट है? है? लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है एन कुछ पढ़ा नया नहीं? नहीं सर हमने भी तो यही पढ़ा क्या अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिड बाय लो इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट बोलो याद हो गया है? नहीं हो गया तो क्या मैं सेम डेफिनेशन लिख सकता हूं सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन एच क्या जाएगा सेक्शन भी सिखाओगे वन क्वेश्चन सिंपल फंडा। सिंपल फंडा। नोट करेंगे, नोटिंग के में, उसके करेंगे उसके बुक रीडिंग तीनों सिक्वेंस हमारे पास बुक भी रीडिंग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे और इसके बाद में ना तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन पिक कर लेना कहीं से उठा लेना गारंटी एक बार मेट्रिक होगा एक बार मेट्रिक होगा

याद करते हैं। ऑफर हुआ तो क्या बना प्रॉमिस ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बनाता है तो तीन क्या बनेगा? का का ऐसे ना। गाना नहीं है। सुनो ध्यान अग्रीमेंट को एनफोर्स कर देगा क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बोलो क्लियर हो गया याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ चार्ट देख लो नोट करना नोट कर लो पार्ट को फिर आगे बढ़ते हैं बताओ बताओ हो गया हमने आपसे साथ साथ में नोट कर लिया था हाँ मैं जानता हूं आगे बढ़े अब आती कहानी कि जिन वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो क्लियर हो गया देख भी लिया रीडिंग भी कर लिया अब आता हमारे पास में कि सर जिनको आपने नाम दिया क्या उन्हें ना पढ़ ले पहले आओ पढ़ लेते हैं ऑफर क्या होता है एक्सेप्टेंस क्या होता है कंसिडरेशन क्या होता है अग्रीमेंट क्या होता है और यही है आपकी इस एक्ट की लीगल डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन लॉ ने, ने लिखा है

ऑफर पहले लिखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे है ना तो ऑफर इज योर फर्स्ट डेफिनेशन और ऑफर को जिस पार्ट में डिफाइन किया गया उसका नाम है सेक्शन नंबर टू का पार्ट ए सेक्शन नंबर टू ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए दैट इज कॉल सब सेक्शन क्या बोलते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन ए आओ लिखते हैं डेफिनेशन को सर प्रैक्टिस तो हमारे एमसीक्यू वाली सीएम में तो वही तो कर रहे हैं बेटे

चेक तो कर लें है ना आओ चेक करते हैं तो पहला पढ़ते हैं ऑफर क्या होता है तो लिखते हैं इसके अंदर लिखो वैन वन पर्सन लिखना चालू वैन वन पर्सन लिखो सिग्निफाइज सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन लिखना नोट बनाओ बेटे यही जरूरी है सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन क्या लिखो हिज और हर विलिंगनेस लिखना चालू हिज लिख रहे हैं लिख रहे हैं सुन रहे हैं हमको हिज और हर विलिंगनेस अपनी इच्छा विलिंगनेस किस लिए लिखो टू डू कुछ करने के लिए टू डू or टू एब्सटेन टू डू or टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सर so, आपने ब्रेक कर दिया डेफिनेशन को तभी तो एमसी को प्रैक्टिस होगी बेटे हाँ फ्रॉम डूइंग एनी थिंग किसी भी काम के लिए तो लिख को क्या बोलेंगे सच पर्सन इज सेट टू मेक पर्पज क्या है लिखो विद ए व्यू टू ऑपटेन लिखते रहो विद ए व्यू टू ऑपटेन द एसेंट ऑफ अनदर ए डबल एस ई एन टी असेंट का मतलब है सहमति को बोलते हैं ठीक है असेंट ऑफ अनदर जिस पर्सन को ऑफर दिया उसकी सहमति लेने के लिए क्या बोलेंगे उसी को कहते हैं बेटे क्या इज सेट द पर्सन इज सेट टू मेक एन ऑफर क्या बोलूंगा द पर्सन इज सेट टू मेक एन ऑफर सेट टू मेक एन ऑफर सेट टू मेक एन ऑफर तो बात निकल के आई सीधी स्पष्ट यहां पर ये बन गया हमारा ऑफर का कंप्लीट डेफिनेशन जिसे पैराग्राफ को तोड़कर ब्रेक करके हमने बना लिया अपने एम पार्ट के अंदर अब दिखाता हूं पढ़े समझाऊ अब चेक करो जो अभी आपको ऑफर दिया था मैंने दिया था ना फोन का दिया था सैनिटाइजर का दिया किसी का भी दिया क्या आप गाड़ी वाले का दिया ना अब चेक करते हैं अप्लाई करते हैं सर वैन वन पर्सन पढ़ते हैं दिखाता हूं पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ना। देखो 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 तो डेफिनेशन का पहला पार्ट है ऑफर क्या बोला वेन वन पर्सन मेरी बात कर रहा है, मेरी वेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है क्या बताता है अपनी willingness, अपनी इच्छा मैंने भी तो इच्छा ही बताई ना आप लोगों को कि मैं करना चाहता हूं ये वाला पार्ट किस लिए टू डू कुछ करने के लिए एप्स मतलब टू कुछ मना करने के लिए करना और मना करना कुछ करने के लिए या कुछ मना करने के लिए क्या एनी थिंग एनी थिंग जब टू डू लिखते हो इसका मतलब होता है पॉजिटिव ऑफर कुछ करने के लिए क्या बोलते हैं कि किसका था कुछ करने को लेके अगर मैं कहता आपको तुम ना उससे शादी मत करना है ना किस लिए दो लाख रुपए दूंगा ये क्या एग्जाम्पल है मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं कुछ मना करने के लिए दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर नेगेटिव ओवर तो ठीक है क्या बोला जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने कुछ मना करने को लेके तो क्या बोलेंगे पर्पस क्या है विद अ व्यू टू ऑप्टेन दी असेंट दूसरे पर्सन की सहमति लेने के लिए तो क्या बोला जाएगा उस पर्सन ने क्या दिया उस पर्सन ने दे दिया ऑफर तो बेटे देखो जान से हमारा पहला वर्ड था ना ऑफर तो ये उसकी लीगल डेफिनेशन थी ऑफर की लीगल डेफिनेशन ये रही आपके सामने तो क्या ऑफर पे अगर क्वेश्चन आया है तो क्या कर पाएंगे सोचो जवाब दो तो अगर ऑफर पे अगर आता है क्वेश्चन डील कर पाएंगे यस yes, हो जाएगा सर ऐसे नहीं दिखा दो आओ दिखाता दर्शन भी जरूरी है पढ़ना क्या करें ना देखो ध्यान से सर ये रहा आपका ऑफर की डेफिनेशन रीडिंग कर लो ऐसे थोड़ी होता है ना भैया अप्लाई करेंगे पहला देखना बेटा

ये बुक में लिखा हुआ पार्ट है बोलो याद हो गया नहीं हो गया यहां हमने नोटिंग वाले पार्ट में कर लिया और हमने बुक वाले पार्ट में कर लिया दोनों मैच मैच हो 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 गए डिट्टो हुए लीगल डेफिनेशन भी याद गई गई सर हो गए। आगे बढ़ो आप चले तो ऑफर हो गया अब आता नंबर किसका बताओ तुम बताओ मेरे, मैं तो मेरे को याद नहीं है मैं तो नहीं बोल रहा मैं चुप हो गया मैं चुप तुम बताओ ऑफर के बाद नंबर किसका आया एक्सेप्टेंस है ना हाँ चलो तो लिखो इसके बारे में इसका भी नोट बना सर मजा सब या, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ मुझे बताओ क्लियर है या नहीं यहां तक तो कोई डाउट तो नहीं है बताओ सोचो ध्यान से ऑफर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताई करने या कुछ ना करने को लेके तो कहा जाएगा उसने ऑफर दिया क्लियर हो गया आ गया हूं चलो आगे आते हैं बेटे नंबर टू हेड आपने इसलिए डब्बे बनाए थे हाँ लिखो एक्सेप्टेंस तो अगर ऑफर का सेक्शन था टू सेक्शन ए तो इसका क्या बनेगा लिख लो हमें पता है सेक्शन नंबर टू सेक्शन बी तो लिखो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंसो कहेंगे दोबारा चलो लिखो लिखो द द पर्सन नोट करो नोटिंग पहले वैन पर्सन टू होम जिसको ऑफर दिया गया टू होम एन ऑफर इज मेड वेन द पर्सन टू होम एन ऑफर इज मेड पर्सन को ऑफर दिया गया वेन द पर्सन टू हूम एन ऑफर इज मेड लिखो इफ सिग्निफाइज लिखते रहो ऑफर इज मेड इफ अगर सिग्नीफाई बता दे सिग्निफाइज क्या बता दे लिखो हिज और हर असेंट अपनी सहमति हिज और हर असेंट अगर वो अपनी सहमति बता दे असेंट हिज और हर असेंट एक वर्ड लिखो देअ टू देर टू का मतलब इसलिए बेटा क्योंकि जिस जो ऑफर आपने दिया क्या उसने वही एक्सेप्ट किया नहीं किया है ना ये नहीं कि मैंने बोला पचास हजार का फोन पर बीस में लेंगे हम तो नहीं लोग भैया जो ऑफर दिया वो एक्सेप्ट हुआ, हुआ नहीं हुआ तो बोलो नहीं सर फोन नहीं गाड़ी दे दो हमारी आपका तो आपने ऑफर चेंज कर दिया इन ध्यान रखना इसको पढ़ेंगे आगे से बोलते हैं काउंटर ऑफर आगे पढ़ाऊंगा आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला वेन पर्सन टू हूम एन ऑफर इज मेड तुम्हारी बात कर रहा है जिसको ऑफर दिया गया अगर वो सिग्निफाई करे बता दे अपनी सहमति तो क्या कहा जाएगा लिखो ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड क्या बोलेंगे तो कहा जाएगा ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड ऑफर क्या हो गया तो कहा जाएगा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, कर लिया गया बोलो क्लियर है नहीं है और जब ऑफर एक्सेप्ट होता है उसे क्या बोलते हैं उसी को बोलते लिख लो प्रॉमिस तो लिखो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड नोट करो फिर समझाऊंगा इसको ऑफर इज एक्सेप्टेड सर लिखते लिखते भी याद हो जा रहे हैं। हो जा रहा है ना बस यही तो चाहिए ऑफर इज इसीलिए इट बिकम्स ए प्रोमिस इट बिकम्स ए वो वादा बन जाता है और वादा के लिए सुना ना वादा किया है ना तो निभाना पड़ेगा वरना जेल जाना पड़ेगा वो इसलिए लिखा हुआ हो प्रोमिस इज ए प्रोमिस इसे? क्या लीगल वर्ड ओके अब पढ़ते हैं तो पहला वर्ड आता है हमारे बेटा एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो वर्ड तो आ गया भैया कि ऑफर दिया था आपने देखो ध्यान से ऑफर दिया था आपने अब ऑफर क्या हो गया ऑफर हो गया एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट के लिए क्या बोला वन द पर्सन वो व्यक्ति जिसको टू हू मतलब जिसको ऑफर दिया गया अगर बता दे अपनी सहमति अपनी सहमति आसन दे दे तो ऑफर में कहा जाएगा एक्सेप्टेंस कहा जाएगा और ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाता है प्रॉमिस बन जाता है ये रहा तुम्हारा नोटिंग वाला पार्ट ये रहा नोटिंग वाला पार्ट और ये हो गया हमारा डेफिनेशन दिख रहा है

बुकिश ज की लीगल डेफिनेशन डिटाउ मैच हो गई हो गई सर हो गए आगे बड़ो. आगे बढ़ो बढ़े अब इसके बाद नंबर आ जाएगा फिर हम पढ़ेंगे इसको जूमिंग कर लेते हैं क्लियर है है बेटा दिख रहा अब नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आएगी प्रोमिस द की क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लिखा हुआ हमारे पास में आ जाओ भैया चलो 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 is... नेक्स्ट वन इज डन आ गया हो तो बताओ वापस देखते हैं ना क्या था याद करो याद करो ऑफर एक्सेप्टेंस अब एक वर्ड आएगा प्रॉमिस भी क्लियर हो गया हाँ हो गया अब यहाँ डेफिनेशन लिखवा दी बीच के अंदर आ गई क्योंकि हमने ये सीखा पूरा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अब यहाँ कुछ कुछ पार्ट बीच बीच में भी हैं तो उसको तो हम सीक्वेंस में लिखते हैं डेफिनेशन के पार्ट में एक वर्ड और आएगा अग्रीमेंट से पहले लिखो बेटा हेडिंग बनाओ प्रोमिजर एंड प्रोमिजी हमारी तुम्हारी बात कर रहा है जिसने ऑफर दिया जिसको दिया गया प्रोमिजर एंड प्रॉमिसि सेक्शन बताओ तुम बताओ हमें पता है अब तो सेक्शन नंबर टू और सब सेक्शन सी ए के बाद बी के बाद सी तो आता है सर है ना अब समझो तो कौन है प्रॉमिसर कौन है प्रॉमिसिंग लिखो पहला लिखो कौन है प्रॉमिसर फर्स्ट इसके नाम जरूर लिखना इसके बहुत इसके नाम याद रखो क्योंकि एक्चुअली ना अलग-अलग प्रश्न में सुनना बड़ी काम की बात बोल रहा हूं अलग-अलग प्रश्नों में अलग-अलग क्वेश्चंस के अंदर कहीं प्रोमिजर लिखा मिलेगा कहीं ऑफर लिखा मिलेगा कहीं प्रोपोजल लिखा मिलेगा तो सर हम कौन सा तीनों का मतलब एक ही है यही जानने के लिए लिखवा रहा हूं फर्स्ट लिखो प्रोमिजर को ही कहते हैं बेटा ऑफर क्या बोलते हैं ऑफर इसी को कहते हैं प्रोपोजल इसी को बोलते हैं प्रपोजल ऑफर देने वाले को बोलते हैं दूसरा वर्ड यहां लिख रहा हूं मैं प्रोमिजी तो प्रोमिजी के भी नाम है हा है ना तो लिखो प्रोमिजी कहो या इसी को कहते हैं बेटा ऑफरी इसी को बोलते हैं क्या प्रपोजर तीन नाम उसके तीन नाम इसके प्रोमिजर ऑफर प्रोमिजी ऑफरी और प्रपोजर प्रोपो, ठीक है नहीं एक्सेप्टर बेटे तो यहां पे इसको बोलते हैं बताओ सर लिखो तो एक्सेप्ट क्या बोलते हैं प्रपोजल दिया तो किसने एक्सेप्ट किया एक्सेप्टर बोलते हैं तो लिखो बताओ किसका मीनिंग होगा तो बताओ तुम बताओ क्या जिसने ऑफर दिया उसी को बोलते हैं या नहीं बोलते है? हाँ उसी को बोलते हैं जिसको दिया उसे क्या बोलते हैं या रिया प्रोमिस बोलते हैं तो लिख लो लिख नोट करो द पर्सन मेक्स एन ऑफर कौन द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर जो ऑफर देगा who makes an offer, उसे बोलते हैं प्रोमिजर प्रपोजल या ऑफर दूसरा द पर्सन जिसको ऑफर दिया गया जो तो एक्सेप्ट करेगा तुम्हारी बात कर रहे हैं है ना आपकी बातें हो रही है ना लिख को क्या लिखूं द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड जिसको ऑफर दिया गया उसे कहते हैं प्रॉमिसि या ऑफर या एक्सेप्टर देखो नाम ऐसे मैचिंग हो रहे हैं दिखाऊं मैचिंग कैसे प्रोमिजर का उल्टा प्रोमिजर का बदले में प्रोमिजी ऑफर के बदले ऑफरी के बदले एक्सेप्टर इन तीनों का मतलब सेम सेम उन तीनों का मतलब है समझ में आया तो तुम कौन बन गए हमारे केस में तुम कौन बने promisi. मैं कौन था प्रोमिज क्लियर रहेगा तो ये बन गया हमारा थर्ड नेक्स्ट पार्ट याद रहेगा बताओ बताओ बोलो बोलो क्लियर है हाँ हमें क्लियर है देख लो भैया नोट भी दिखाते रहो साथ साथ में हमें तभी तो मजा आता उनको क्या लिखा पढ़ना प्रोमिजर या प्रोमिजी सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन सी एंड द डेफिनेशन गाइज देखो क्या लिखा who है क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रोमिजर ऑफर या प्रपोजर मैचिंग हो गया आ गया द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड जिसको ऑफर दिया गया उसे बोलते हैं प्रोमिजी ऑफर या एक्सेप्टर क्लियर समझ में आया अगला भी था अब तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास में डन है गाइस नेक्स्ट इज कॉल कंसिडरेशन तो आ जाओ वापस हमारे पॉइंट के ऊपर क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं द तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो सर हाँ। क्योंकि यही तो बेस है आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट बेस बनता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का तो लिखा बेटा नेक्स्ट कंसिडरेशन इसका नाम तो चार्ट में भी था ना हा सीक्स भी तो यही था याद करो यही था या नहीं था यही तो सीक्वेंस था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन था ना वही वर्ड तो लिखते हैं कंसिडरेशन सर मीनिंग तो हमें पता है पहले से अच्छा बताना मैं तुम बताओ वट इज कंसिडरेशन अभी सीख के आयो सर जब ऑफर दिया गया और जिसने एक्सेप्ट किया तो उन, उन दोनों ने प्रोमिज प्रोमिज ने जो आपस में जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस किया उसे कहेंगे कंसिडरेशन क्या पता बताना मुझे बताना पैसा रिक्वायर्ड है क्या हाँ सर कैसी बात कर रहे हो वर्ना तो बार्टर बन जाएगा कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो बार्टर सिस्टम कहलाएगा और लो पटलो में कोई बार्टर सिस्टम चलता नहीं है तो बात करते हैं समझते इस बात को व्हाट इज वेशन लिखते हैं सेक्शन कौन सा बनेगा बताओ पहले तो मुझे सेक्शन नंबर टू ब्रैकेट में सब सेक्शन डी तो लिखते हैं इसके बारे में सेम वही हाँ लिखो कंसिडरेशन जिसे कहते हैं लिखो वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर When आर दी डिजायर ऑफ the लिखते रहो ऑफ दी तुम लिख लो बस साथ साथ में ऑफ दी Promiser याद हो रहा है नहीं हो रहा बताओ सोचो जो कर रहे हैं पूरा याद हो रहा है नहीं हो रहा हो रहा है तो चलो स्पीड के अंदर चलो वैन आर डिजायर ऑफ द प्रोमिजर नेक्स्ट लिखो द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन Promiser द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन प्रोमिजी या कोई भी और पर्सन एनी अदर पर्सन इसे बोलते थर्ड पार्टी एंड अ पर्सन लिखो तीन बातें लिखते हैं यहां पे हैज डन और एबस्टेन लिखना ध्यान से वर्ड हैज डन कुछ किया था एबस्टेन ने कुछ मना किया था हैबस्टेन समथिंग हैज डन और एबस्टेन समथिंग दूसरा लिखो प्रो डज और एबस्टेन समथिंग और में लिखो और डर एब्सटेन समथिंग सर मतलब क्या है पास प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं तीन टेंस लिखेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो डज और एप्सटेन समथिंग कुछ किया कर रहा है या कुछ मना कर रहा है और प्रोमिस टू डू तीसरा वर्ड है फ्यूचर के लिए प्रोमिस टू डू लिख लो अभी समझाता हूं पूरा पार्ट प्रोमिस टू डू और टू एब्सटेन समथिंग कुछ करने के लिए मना करेगा तीन बातें लिखी हैं तो क्या बोलते हैं लिखो पहले खत्म नहीं करेंगे समझ सकते हैं नोट करते हैं पहले हाईलाइट क्या है समथिंग 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 गाना नहीं बनना बेटा समथिंग 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 तो यहां पर ही जो समथिंग है ना इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन सच समथिंग इज नोन एज सच समथिंग ऑन इज नोन एज क्या बोलेंगे इसी को कहते हैं टर्म डेज कंसिडरेशन जिसे शॉर्ट में हमने सीख लिया कि जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है उसी को कहते हैं कंसिडरेशन उसी को कहते हैं कंसिडरेशन तो इसको लीगली भी सीख लेते हैं आओ दिखाता हूं लिख लिया नोट हो गया कर रहे हैं सर कर रहे हैं कर लो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें समझेंगे पहले इसको नोट हम हाँ हाँ समझदार बच्चे पहले नोट कर लिया चलो आओ लिखते हैं फिर <laughs> वर्ड क्या है बेटा सॉरी कंसिडरेशन समझना सेक्शन क्लियर है क्लियर है सीक्वेंस में चल रहा है अब ऑफर हो गया एक्सेप्टेंस हो गया आपके पास प्रोमिस प्र, 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 प्रोमिजर प्रोमिजी की बात भी होगी भाई वर्ड है कंसिडरेशन क्या होता है पढ़ना कह रहा सर वैन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर प्रोमिजर अब पता ना प्रोमिजर का मीनिंग तो पता नहीं पता पता है सर तो देखो जब प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी ऑफर दिया गया था या एनी बोलते थर्ड पार्टी मतलब ध्यान रखना बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिजर प्रोमिजी के अलावा कोई भी परसन, कोई भी भी क्या थर्ड पार्टी कहलाता है उसी पार्टी को बोलते स्ट्रेंजर उसी को कहते हैं तो क्या बोला प्रोमिजर की इच्छा पर या किसी और ने तुम्हारे अलावा कोई और ने कुछ किया था या कुछ मना किया था कुछ कर रहा है या कुछ मना कर रहा है कुछ करेगा या मना करेगा तो वो जो करे मना कर रहा करेगा ना वो करना इज कॉल समथिंग उसी को बोलते हैं बेटा कंसिडरेशन उसी को कहते हैं कंसिडरेशन बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ चेक करो ना मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था तो मेरी इच्छा पर मेरी डिजायर पर तुम मतलब आप और आपके अलावा कोई और पर्सन कुछ किया था कुछ मना किया था या कुछ करने के लिए कहा आप चेक करना तुम बताओ जब मैंने आपको ऑफर दिया था बताना कंसिडरेशन कौन सा था चेक करना ये कौन सा हो गया दिस वर्ड बिलोंग्स टू पास्ट चेक कर पा रहे हो इसने किससे बिलोंग कर रहा है ये हमारा पास्ट ये किसका सेंटेंस है प्रेजेंट और ये कौन सा है फ्यूचर तो बताओ जब मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं तुमने बोला ओके तो ये पास्ट में हुआ प्रेजेंट में हुआ फ्यूचर में हुआ चाहता हूं प्रेजेंट का पार्ट था प्रेजेंट का पार्ट था

समथिंग इज नोन है क्या बोलते हैं कंसिडेशन उसे बोलते हैं कंसिड्रेशन ये दिखा दो इंपोर्टेंट बड़ा लग रहा है ना देखो ध्यान से विजिबल देखो हेडिंग लिखी है विजिबल ना हो बेटा देखो सेक्शन नंबर टू सेक्शन डी द लीगल डेफिनेशन हियर यू कैन वॉच दिस बड़े में दिखाता हूं देखो लाइन पढ़ना क्या लिखा हुआ है कह रहा है सर वैन एट desire ऑफ the प्रोमिजर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। क्या बोला हमारे पास वेन एट दिजायर ऑफ दू सेम लाइन कुछ भी नया नहीं, नहीं बेटे वही लिखेगा आपको यहाँ पे पढ़ना वन डिजायर ऑफ the प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन बुक का पार्ट है देख लो has डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग पहला पार्ट पास्ट और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग दूसरा पार्ट प्रॉमिस टू डू रबस्टेंट फ्रॉम डूइंग तीसरा पार्ट तो क्या देखा दिख रहा है आपके पास ये कौन सा दिस हाईलाइटर पास्ट दूसरा प्रेजेंट तीसरा अगेन फ्यूचर क्या बोला पढ़ना समथिंग द समथिंग इज नॉन एज कंसिडरेशन समथिंग इज नॉन एज कंसिडरेशन बोलो क्लियर हुआ बुक का लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज से समझ में आया सर एक काम करो पढ़ा रहे बीच में क्वेश्चन भी दिखा दो बीच में दिखाऊं पहले दिखाओ दिखा अभी दिखा दो ताकि मैं कॉन्फिडेंस भी लगे क्लास में कि अच्छा हमारे क्वेश्चन भी बन जा रहे अभी से देखो देखो। चेक करना क्वेश्चन पहला प्रश्न थोड़ा सा इस पे हमारे पास में यहां से देख लो पहला नंबर वन नंबर वन नंबर वन लुक इन दार्ड गाइस पहला द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया कंटेन फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आया समझ लो तुम तुम्हारी तैयारी चालू हो चुके बेटा अभी से क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास से क्या बोला पढ़ना पटना क्या बोला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया किस में आता है पहला ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862 72 टू या 1762 सोचो सर क्या बात कर रहे हो सिंपल सा आंसर है क्लिक बी पार्ट सी सी में आंसर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एग्रीमेंट विच इज अभी आएगा हमारे पास अभी करना नहीं अभी किया क्योंकि इसका आएगा वाला हम आगे पढ़ेंगे ठीक है इसमें देखते हैं next पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है पढ़ना व्हाट इज द लीगल टर्मिनोलॉजी फॉर और नॉट डूइंग समथिंग याद करो कहां पढ़ा सर क्या बोला लीगल टर्म में वो लीगल टर्म कौन सा है कुछ करने है, कुछ ना करने को लेके जो प्रोमिजर की इच्छा डिजायर पर किया या ना किया गया दैट मींस याद करो कहां था ये वर्ड बेटा कहां था ये वर्ड टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग तीन वर्ड थे ना याद करो याद है डज और प्रोमिस टू डू और टू एब्सटेन किसका वर्ड था क्या इसका आंसर डिजायर है है

लिखा है? समझ में आया? तो देखो ध्यान से बेटा जो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो अभी हम हम लोगों लोगों ने ने पढ़ा पढ़ा वही हमारे पास इसका पार्ट बनता था हो गया? आगे बढ़ सकता हूं, मैं? आगे बढ़ सकता हूं. अब सा है हमारे पास में नेक्स्ट इज आओ लिखते हैं इसको नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट नेक्स नेक्स हमारे पास है कौन सा हेडिंग बनाओ और लिखो के बाद किसका नंबर आता वर्ड इज अग्रीमेंट क्या है तो कंसिडरेशन हो चुका और याद करो, recall करें, recall करते हैं। offer हो गया, हाँ, सर. Acceptance हो गया, हाँ, सर। सर। हो हो की बात भी हो गई consideration की बात भी हो गई। तो ऑफर प्लस क्या लिखा था इज अग्रीमेंट इज नॉट एज अग्रीमेंट तो उसी के लिए लिख रहे हैं नोट करते हैं सेक्शन क्या बनेगा बताओ याद करो साथ साथ में सर अगर डी उसका था तो इसका बनेगा ई एग्जैक्टली सेक्शन नंबर टू सेक्शन ई डिफाइन द टर्म अग्रीमेंट यह अग्रीमेंट को डिफाइन करता है आओ पढ़ते हैं तो मीनिंग क्या है इसका हालांकि हमने पहले भी मीनिंग इसका बोला था लेकिन अब इसको लिखते हैं प्रॉपर नोट करो बेटा लिखो एवरी प्रॉमिस वर्ड आइट दी वर्ड एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस सेट का मतलब एक से ज्यादा प्रोमिस लिखते रहो क्या बोला एवरी प्रोमिस एवरी सेट ऑफ प्रोमिस लिखो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर्मिंग कंसिडरेशन हर वो प्रोमिस promise या प्रोमिस का सेट जो क्या बना है जिससे क्या बना कंसिडरेशन बना क्या होता है कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए यहां पर किसकी बात है मिले सुर मेरा तुम्हारा की बात किसकी हो रही है प्रोमिस प्रोमिस की बात हो रही है यह बातें कौन कर रहा है प्रोमिस प्रोमिस कर रहे हैं सिंपल सी बात तो कहने का मतलब क्या हुआ हर वो प्रोमिस या प्रोमिस का सेट दैट वी कैन से हर वो प्रोमिस दैट इज एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस जिससे क्या बना कंसिडरेशन बना एक दूसरे के लिए उसी को बोलते हैं लिखो टर्म्ड एज अग्रीमेंट उसे क्या बोलते हैं टर्म्ड एज अग्रीमेंट उसी को अग्रीमेंट कहते हैं इसी पार्ट को फिर नोट्स में दिखाऊंगा अभी आपको याद रहेगा तो एग्जाम्पल याद रखो जब मैंने आपको ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्ट किया था तो एक प्रॉमिस मैंने भी तो किया ना कि मैं वो तुम्हें सामान बेचने वाला था याद करो जो सैनिटाइजर बेचने वाला था या फोन बेचने वाला था तो याद करो सेम वक्त पर आपने भी तो मुझे एक प्रॉमिस किया ना कि आप मुझे उस सामान के बदले उस गुड्स के बदले पैसा दोगे हाँ ना

और साथ में आ गया कौन कंसिडरेशन तो इन तीनों की इक्वेशन को जब एड ऑन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा द टर्म एज अग्रीमेंट तो वो बन जाएगा हमारा प्यारा सा अग्रीमेंट बोलो क्लियर हुआ सर एक काम करो साथ ही दिखा दो लो बेटा देख लो देखो 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 आओ कह रहा समझना जान से बात को लिसन टू मी लेट मी शो यू द मीनिंग द डेफिनेशन पार्ट हमारा यहां तक हो वो कहता अग्रीमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा पढ़ना अग्रीमेंट में देखो देखो ध्यान से क्या कह रहा है देखो सर अग्रीमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सेक्शन ई ये बुक का पार्ट है एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस लिखा होना सेट मतलब ग्रुप ऑफ प्रोमिस एक सारा प्रोमिस को बोलते हैं फॉर्मिंग कंसिडरेशन जिसे कंसिडरेशन बना फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए उसे कहते हैं अग्रीमेंट बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा तो सिर्फ प्रोमिस का मिलना ही आपके पास जिसे कंसिडरेशन बिल्टअप होता है उसे अग्रीमेंट कहा जाता है क्लियर हो गया नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कौन सा है? हमारे पास में रैसी प्रोकिल क्या है, तो है। नोट हो गया को डाउट को शंका संदेह इसके ऊपर नहीं सर कोई संदेह नहीं चले आगे बढ़े आगे आते हैं नेक्स्ट इज के बाद नंबर आता है एक और प्यारे नाम का हालांकि अब जो हम लिखने वाले हैं वो खुद अग्रीमेंट का हिस्सा है स्पेसिफिकली आपके सेक्शन की चेन ना टूटे इसलिए इसे लिखा गया इन शॉर्ट हालांकि इसका जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली अग्रीमेंट के अंदर आ जाता है सर लिखवाओ ना तभी समझ में आएगा लिख को तो आ जाओ तो नाम है लिख को बेटा रेसी प्रोकल प्रोमिस वर्ड क्या है रेसी प्रोकल प्रोमिस अब सोचो अभी अभी हमने प्रोमिस की बात की वादों की बात की है ना की ना सोचो तो मैंने बोला कि एक प्रॉमिस मेरी तरफ से एक प्रॉमिस तुम्हारी तरफ से हुआ हाँ ना हुआ ना तो हम दोनों ने जो प्रॉमिस किया तो तुम्हारे लिए, मेरा और मेरे लिए तुम्हारा प्रॉमिस क्या कहलाएगा कहला दूसरे के बदले वाला कि तुमने बदले में क्या दिया तो मैंने भी प्रॉमिस दिया मुझे तुमसे क्या मिला तुमसे मुझे भी प्रॉमिस मिला तो इंडिविजुअली दोनों प्रोमिस इंडिविजुअली जिसका अपना नाम लिया ना लिखा था हमने पास में पे सेट ऑफ प्रोमिस, प्रोमिस तो तुम्हारे लिए मेरा और मेरे लिए दर, के लिए के प्रोमिसी का और प्रोमिसी के लिए प्रोमिजर का प्रोमिस क्या कहलाता है उसे कहते हैं रैसी प्रोकल प्रोमिस क्या बोलते हैं रैसी प्रोकल प्रोमिस तो लिख लो नॉर्मल पार्टी एक तरीके से हमारा सिक्वेंस के अंदर आता है तो लिखो बेटा सेक्शन बताओ सेक्शन क्या लिखूं सेक्शन नंबर टू ई के बाद क्या आता है सब सेक्शन एफ सेक्शन नंबर टू सेक्शन एफ रेसी प्रोकअल प्रोमिस को डिफाइन करता है ठीक है आगे आते हैं लिखो इसके अंदर लिखो एवरी प्रोमिस सिमिलर सा लगेगा लेकिन सिमिलर नहीं है ध्यान रखना एवरी प्रोमिस कौन सा लिखो विच फॉर्म एवरी प्रोमिस विच फॉर्म लिखो ए पार्ट ए पार्ट और होल ऑफ देशन ए पार्ट और होल ऑफ़ कंसिडरेशन हर वो प्रॉमिस जिससे क्या बना, या तो कंसिडरेशन का एक पार्ट बना या पूरा का पूरा कंसिडरेशन बना सोच के देखो ना भाई हम दोनों की प्रोमिस 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 के प्रोमिस मिले थे तभी तो कंसिडरेशन बना था बोलो या सर हाँ सर तो कहने का मतलब सर हम दोनों के प्रोमिस मिले तो एवरी प्रोमिस जिससे क्या हुआ एक पार्ट या पूरा, -पूरा का पूरा कंसिडरेशन बना क्या बोलते हैं लिखो इंडिविजुअली या सेपरेटली आई कैन यूज द वर्ड इंडिविजुअली या सच प्रोमिस क्या बोलते हैं टर्म डेज रैसी प्रोकल प्रोमिस क्या बोलते हैं बेटा रैसी प्रोकल प्रोमिस तो ऐसे प्रोमिस को ही रैसी प्रोकिल कहा जाता है बहुत ही बेसिक पार्ट है कोई सिंपल सी बात बात सोचो सोचो ना लगाओ समझो ध्यान से को क्या मैंने तुम्हें एक प्रोमिस किया था कि मैं तुम्हें अपना फोन बेचूंगा याद आया और तुमने मुझे एक प्रोमिस किया था कि तुम मुझे उस फोन के बदले में पचास हजार रुपए दोगे तो मैं तुम्हारे प्रोमिस को क्या मानूंगा क्योंकि हम दोनों के प्रोमिस बना एग्रीमेंट पर हम वो अग्रीमेंट जिन प्रोमिस से बना उन प्रॉमिस को क्या कहेंगे क्वेश्चन ये उन प्रॉमिस को बोलेंगे रेसी प्रोक प्रोमिस तुम्हारे लिए और मेरा और मेरे लिए तुम्हारा है ना उसको बोलते हैं रेसी प्रोक प्रोमिस क्लियर रहेगा बेटा आगे आते हैं तो नेक्स्ट हमारा है ए बी सी डी ई एफ एफ तक हो गया जी पे आते हैं लिखो हेडिंग बनाओ जी के अंदर लिखो जी इज कॉल वॉइड अग्रीमेंट ओ यही नाम थे वॉइड वैलिड आ गए बेटा शुरू हो गए नाम है वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन लिखो इसका सेक्शन नंबर टू तुम बताओ 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 ए बी सी डी ई ई तक तो एफ तक कहानी हो चुकी है एफ के बाद क्या आता है क्या बात कर करता है सर जी जी तो लिखो. Two, G, तो लिखो सेक्शन सेक्शन नंबर सब डिफाइन द टर्म लिखते हैं क्या होता है वर्ड अग्रीमेंट नोट करो अब तो नाम से उठाते हैं एक ऐसा अग्रीमेंट बेटा एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे लॉ ने अलाउ करने से या परमिशन देने से या एनफोर्स करने से मना कर दिया लो बोला भैया ये अग्रीमेंट बनाना नहीं देंगे तेरे को तो ऐसा अग्रीमेंट जिसे लो करने से मना कर दे उनको कहते हैं वर्ड अग्रीमेंट एग्जाम्पल दो फिर लिखवाना इस बात को हम ठीक है भैया पहले सुन लो तुम अब मुझे एक बात बताओ चलो ट्राई करते हैं ठीक है चेक करते हैं मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ एंड फाइंड आउट क्या ये वैलिड है क्या है क्योंकि एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिलके बनते हैं ऐसे ही बनते हैं पूछू मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया कि, कि किसी किसी के बच्चे को पड़ोसी के बच्चे को किडनैप करना है मैं तुम्हें दो लाख रुपए दूंगा सोना पड़ोसी के बच्चे को किडनैप करना है मैं तुम्हें दो लाख रुपए दूंगा बताओ बेटा क्या ये ऑफर है या नहीं सर ऑफर तो है ओके हमने पढ़ लिया ऑफर कैन बी ऑफ एनीथिंग ऑफर किसी चीज के लिए हो सकता है ऑफर कैन बी फॉर एनीथिंग तो बताओ मुझे पड़ोसी के बच्चे किडनैप करने का ऑफर दिया मतलब हाथ दिया और आपने कर लिया एक्सेप्ट ओके कर कर लेंगे किडनैप उठा लाएंगे सर तो आपने कहा एक्सेप्टेंस तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ट्राई करना क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है चेक करो चेक करो क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है है सर है दो लाख रुपए की बात कर रहे हो आप और हम बच्चे को किडनैप करेंगे सर्विस दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में ऑफर है एक्सेप्टेंस है कंसिडरेशन है तो बताओ क्या हमारे बीच में अग्रीमेंट बना यस और नो इतना बताओ खाली क्या हमारे बीच में अग्रीमेंट बना हा या ना सर बन गया अग्रीमेंट ओके अग्रीमेंट का मीनिंग तो हम पढ़ के आ चुके हैं सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज टीमेंट है ना हा अब बताओ क्या लो इस अग्रीमेंट को जो अभी बनाया मैंने आपके साथ में लो कहेगा कि हाँ जी आ किडनैप करना तो बहुत नॉर्मल बात है ऐसा इजित सो कि कर लीगल किडनैप करना इजित सो हा नहीं सही समझा ना सही तो कह रहे हो ना मतलब कहने का मतलब अग्रीमेंट वॉइड कब कहलाता है लिखो बेटा लिखो एन अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट लिखो कौन सा अग्रीमेंट विच इज नॉट इज नॉट एनफोर्सिबलफोर्सिबल ये वर्ड पहले भी आ चुका है enforceable का मतलब जिसको परमिशन मिल जाए तो वर्ड है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ जिसे लॉ परमिशन ना दे लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे लॉ परमिशन ना दे जिसे लॉ एनफोर्स करने से ए, मना कर दे उसे कहते हैं क्या लिखो टर्म डेज क्या बोलते हैं टर्म डेज वर्ड अग्रीमेंट टर्म वॉइड अग्रीमेंट चलो काम करो मैं तुम्हें इस पे दो एग्जांपल लिखवाता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी आए क्योंकि बच्चों को ना इतने दो वर्ड आते हैं सुनना मीनिंग क्लियर बताऊंगा मीनिंग क्लियर एग्जांपल दूंगा तुमको फिर मैं वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन टू सब सेक्शन जी किसको कहते हैं एक अग्रीमेंट जिसे लोन करने से मना कर दिया लॉ ने एनफोर्स करने से अलाउ नहीं किया मना कर दिया उसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट बोलो क्लियर है सुनना एग्जाम्पल मा एग्जाम्पल नंबर वन और चेक करना ताकि क्लैरिटी कि हाँ वॉइड है या नहीं है। लिखता हूं मैं सुनना पहला लिखो बेटा नंबर वन इसी में लिखता हूं चलो लिखो मुमताज मुमताज हाँ अपना नाम ऐसे ही बेटा मुमताज अग्रीज लिखो वर्ड को मुमताज अग्रीज बेटा ये अग्री वर्ड अग्रीड वर्ड का मतलब है अग्रीमेंट याद रखना क्या बात करो हाँ हां वर्ड अग्रीज अग्रीड का मतलब होता है अग्रीमेंट को बोलते हैं तो मुमताज अग्रीज टू मैरी अग्रीज टू मैरी लिखो वजीर अग्रीज टू मैरी वजीर इफ वजीर इफ वजीर विल ब्रेक द स्टार्स क्या लिख रहे हो वजीर कैन पुट या ब्रिंग द स्टार एग्जांपल ऐसे लिख लो कैन ब्रिंग दी इसको ब्रिंग लिख लेते हैं वजीर कैन या वजीर कैन ब्रिंग द स्टार वजीर कैन Bring stars on the earth, कि तुम मेरे लिए बोलते रहते हो ना कि जाओ तुम्हारे लिए आऊंगा तो लेके आओ जाओ मैं तुमसे तब शादी करूंगी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं मैरिज अग्रीमेंट बोलते हैं, हैं। इंडिया में अलग से एक्ट है मैरिज एक्ट तो उसे बोला गया तो बताओ मुमताज कह रही मुमताज कह रही है भैया कि बात ऐसी तुमसे शादी करूंगी अगर तुम तारे तोड़कर पृथ्वी पर ले जाओगे आप बताओ क्या ऐसे अग्रीमेंट अब देखो तो ऑफर एक्सेप्टेंस की बात लेकिन मुझे बताओ क्या लो ऐसे अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा कहेगा हो सकता है किसी की डेथ हो गई मैं पहुंच गया और जाके बोला भैया देख इसमें जान डालू जान डालू, डालू मेरे को मैजिक आता है, है ना? आ, जादू, तो क्या बोला मैंने आई विल पुट द लाइफ इंटू दिस रुपीज टू लैख दो लाख रुपए लूंगा और इस डेड बॉडी में जान डाल दूंगा ऑफर है हा एक्सेप्टेंस है हाँ चेक करो अग्रीमेंट हो गया तो क्या लो इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा सोचो दे, सोचो मिलेगा जवाब क्या लो इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा करेगा नहीं करेंगा। तो ऐसे जो लॉ एनफोर्स करने से बेटा क्या कर दे मना कर दे उन्हें कहते हैं वो अग्रीमेंट क्या बोलते हैं वो अग्रीमेंट याद रहेगा एग्जाम्पल एक और दू और सुन लो एग्जाम्पल और लिख लो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है बुक में मिलता है लिखो एनी अग्रीमेंट एनी अग्रीमेंट विद ए माइनर एनी अग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग इनिशियो मतलब इनिशियल वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग तो लो ने क्या किया ना बेटा समझना जनसोड अग्रीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया समझ यहीं पे समझ लो तो वर्ल्ड अग्रीमेंट हालांकि आगे नहीं आएगा यहीं पे पार्ट आएगा यहां पे समझो तो वर्ल्ड अग्रीमेंट में देख पार्ट क्या बोला जहां पर आपके किसी अग्रीमेंट को लो एनफोर्स ना करे मना कर देगा तो वर्ल्ड अग्रीमेंट लेकिन कुछ अग्रीमेंट ऐसे जिनके लिए लो ने पहले से ही लिख दिया कि हम इन्हें वर्ड ही डिक्लेयर करेंगे लो में लिखा जा चुका है जैसे माइनर के साथ अग्रीमेंट करना अलाउ नहीं किया गया तो क्या बोलोगे void agreement समझ में आ गया तो दिस इज योर पार्ट जिसे बोलते हैं void agreement बोलो क्लियर हुआ समझ में आया कोई विदाउट आ पूछो बताओ मीनिंग क्या है एग्रीमेंट जिसे लोन एनफोर्स ना करे void agreement एग्जांपल वन एग्जांपल टू एग्जांपल थ्री में बोल के दे चुका आप हूं आप लोगों को बोलो मिली क्लैरिटी आगे बढ़ सकता हूं मैं आगे चलते हैं सर दिखा भी दो ना ऐसे काम करो चलो लो भैया <clears throat> देखो 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 तो तुमने बोला तुम्हारी आ, बात के आगे मेरी एक नहीं चलती बेटा हाँ आओ चलो लिसन टू मी गाइस कहा गया चेक करो ये रहा हमारे पास में हमारा रेसी प्रोकल वाला पार्ट सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन एफ क्या लिखा पढ़ना प्रोमिस विच फॉर्म दी कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज कॉल्ड रेसी प्रोकल हो गया हमारे पर डन है बट नेक्स्ट पे आ जाओ वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन टू

वर्ल्ड अग्रीमेंट सेक्शन टू सेक्षिन जी याद रखना सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके मीनिंग के पार्ट को तोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है और इसीलिए हम अपने पास में ऐसे वाले नोट्स बना के पढ़ रहे हैं और आप चेक कर पा रहे होंगे कि जो नोट्स लिख रहे हैं वही लीगल पार्ट आपकी बुक में लिखा है वही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि तीन ही चीज तो होती है एक क्या होता है कि नोट्स लिख लिया दूसरा पार्ट क्या है लिखना भी आ गया और याद भी हो गया कि लिखने से याद चीजें याद होती है

मिले सुर मेरा तुम लिखो क्या कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट तो बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ सर कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन बताओ पहले तो मुझे सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन एच सेक्शन नंबर टू और सब सेक्शन एच डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को है ना और कॉन्ट्रैक्ट का दो डिटेल डिस्कशन करके आ चुके हैं हम लोग जो तो तो वहां लिखा था वही लिखने यहां पे लिखते हैं लिखो क्या ये तो हमें पता है सर तो लिखो एन अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल जब उसे परमिशन मिल जाती है अरे बात बताना परमिशन नहीं मिलती तो वॉइड अग्रीमेंट और मिल गई तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लो इसे लो परमिशन दे दे क्या बोलते हैं बी बी नॉन नॉन एस एस उससे क्या कहते हैं बी नॉन एस कॉन्ट्रैक्ट तो अगर ऐसे आप मुझे बताओ आप लोगों ने सीओसी एजुकेशन के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने अग्रीमेंट बनाया सोचा अप्लाई करें चेक करना कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है पूछूं समझना फिर इसको रीडिंग करते हैं दोबारा से बताना कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है या ये वॉइड अग्रीमेंट है खाली अग्रीमेंट बताना मुझे ठीक है ओके सुनना आई एम वेमिंग ए क्वेश्चन फॉर यू मैंने कहा सीओसी एजुकेशन ने आपको एक ऑफर दिया कि आप हमारे फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चे है आपका फाउंडेशन निकल कर निकलना ही निकलना है पास तो हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे गारंटी है। इतने सारे रैंकर्स हैं यहाँ पे ओल्ड रैंक हमेशा हमारी आती है और यहां पर क्या किया ऑफर दिया गया हमारे बच्चों के लिए कि आपका इंटरमीडिएट में आपको एक स्पेशल ऑफर दे दिया हमने एग्जाम्पल तो बताओ मैंने हम, हमने आपको एक ऑफर दिया कि आपको इतने इतने पार्ट के के ऊपर स्पेशल बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके कोर्स के साथ में इंटरमीडिएट के अंदर ये ऑफर था या नहीं था हाँ सर अब आपने कर लिया एक्सेप्ट तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया हाँ कंसिडरेशन भी होता है हा हो गया तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाएगा बोला 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 सोचो क्या बनेगा ये बन जाएगा अग्रीमेंट बन गया तो बताओ क्या इस अग्रीमेंट को लो एनफोर्स नहीं करेगा क्या ये लो करने से मना कर देगा नहीं सर इस अग्रीमेंट को लो परमिशन दे देगा सर और दे देगा इसीलिए कहलाएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट इसे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली जब भी ट्राई करना हो चेक करना हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो याद रखना जिस अग्रीमेंट को लो एनफोर्सिबल कर दे लो परमिशन दे दे ठीक है ओके क्लियर है यही वर्ड हमने पहले बुक में पढ़ चुके हैं और ये एच क्लियर oh, oh, है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हो गया आगे बढ़ सकता हूं आगे सब। चला, चला, is, आ जाओ भाई साहब चलो 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 द नेक्स्ट इज मजा रहा है ना चेन में चल रहे हैं और चीजें याद हो रही है और साथ साथ क्वेश्चन भी हो रही है ओके आओ तो बाद में बुक पढ़ने की टेंशन खत्म क्लास में पूरा कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट लिखो वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज वोडेबल सेक्शन लिखो सेक्शन नंबर टू और सबसेक्शन क्या लिखू आई लिख दिया आपने लिख दिया पहले से सर मतलब सिंपल सी बात एफ जी एच एच के बाद क्या आई तो क्वेश्चन पूछता है इन पे पता आपको क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर

which is an agreement which is enforceable an agreement which is unforeseeable by enforceable at the option of enforceable liko at the likhte samjhaunga part ko, at the option of option choice ko bolte hai hai, option of liko one or more of the parties one or more of the parties. An agreement which is unforeseeable at the option of one or more of the parties. But not at the option of. But not at the option of. Option of. Option of choice of. Other or others. अदर और अदर्स इसी के नीचे लिख लो अग्रीव पार्टी क्या बोलते हैं इसको लिखो ए डबल जी आर ई आई डी अग्रीड पार्टी सर इसका मतलब बेटा पूरा समझाऊंगा पर लिख लो पहले अभी नॉट एट दीव पार्टी उसे कहते हैं अपने पास में लिखो टॉम डैश इसमें एग्जांपल एग्जाम्पल दू अभी आपको मैं टॉम डैश वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं इसको वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो एक अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स कर दिया गया एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर लेकिन दूसरे पार्टी के मना करने पर वो अवॉइडेबल हो गया इसका मीनिंग ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू पहले नोट कर लो इस पार्ट को इसे नोट कर लिया कर रहे सर कर रहे काया आप लिखते बोलते मुझे पता है बेटा ज्ञानी हो तुम लोग पहली बार में लिख लोगे इसको अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वर मोर बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर्स समझाउतेंट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर टू सबसेबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ओके अब, okay. अब सुनना कहानी एक स्टोरी दे रहा हूं और Tell me, क्या हुआ होगा ठीक है कर रहा हूं, reply करना, ठीक है? है? हुआ क्या क्या बेटा? कहानी में ट्विस्ट ट्विस्ट आने वाला है। मैंने कहा दो लोग थे, example, नाम लेता चलो, बनाता से चलो चलो तुम्हें बना के दिखाता हूँ स्टोरी एग्जाम्पल यहाँ देखो ऊपर देखो एक पर्सन था सुनो कहानी एक पर्सन था बेटा इसका नाम था चिंटू क्या नाम है चिंटू चिंटू के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है चिंटू बड़ा पैसे वाला है इसके पास करीबन पचास करोड़ रुपए का घर है इसका तो घर है वो अकेला पचास करोड़ रुपए का है। सुनना कहानी कहानी सुनना ताकि रिप्लाई कर पाओ चिंटू के पास पचास करोड़ रुपए का घर है हुआ क्या एक दिन एक दिन एक दूसरा पर्सन दूसरा पर्सन जिसका नाम है मोंटी क्या नाम है मोंटी मोंटी तुम में से भी किसी एक का नाम होगा ना हाँ, अब समझ लो क्या बात हो एक दूसरा मोंटी जो कि वहां का एरिया का गुंडा है अपने एरिया का है हाँ ना खुद को बोलता है आ, मैं तो अपुन से लटकने का नहीं अपुन से उलझने का नहीं है समझा अपुन इस एरिया का डोन है है हाँ ना ओके तो चिंटू और मोंटी दो लोग हैं चिंटू के पास पचास करोड़ रुपए की एक घर है मोंटी एक गुंडा है अपने एरिया का इलाके का समझ ना से? सुना रहा हूं? सुनना मॉन्टी का जो दिल था वो दिल आ गया चिंटू के ऊपर नहीं चिंटू के घर के ऊपर किस पे आ गया? दिल आ गया गया दिल घर के ऊपर और चिंटू वो घर खरीदना चाहता है याद करो पुरानी बॉलीवुड पिक्चर में भी जब किसी के एक्टर के बच्चे किडनैप कर लिया करते थे बोलते रहे तुम्हारा घर बेच दो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच दो वो फ्री में नहीं खरीदते रहे उस टाइम पे क्यों क्यों

मुझे तेरा घर पचास लाख में खरीदना है ऑफर दे डाला मोन्टी ने चिंटू को ऑफर दे डाला अपने को चाहिए तो मंगता है तो मंगता है चिंटू बोला भाई कैसी बात कर रहे हो पचास करोड़ घर में तुम्हें पचास लाख में भागो यहां से निकलो भाग चलो निकलो यहां से इतना था बोलना था मोन्टी को गुस्सा आया मोन्टी ने अपनी पॉकेट में रखी जो तो बंदूक थी अपनी जो तो गन थी वो गन बाहर निकाली और गन तान दी मोन्टी ने गन निकाली और गन को तान दिया और तानने का मतलब समझ रहे क्या हुआ जैसे ताना भैया यहां पर तो चिंटू रोना चालू हो गया चिंटू तो बोला तो शुरू कर दिया भाई चिंटू ने रोना शुरू कर दिया अब हुआ क्या वो नहीं माना लेकिन फिर क्या हुआ भैया मोन्टी तो मोन्टी है गुंडा है इलाके का बोला नहीं भैया बेच जान से मार दूंगा तो क्या हुआ डर के मारे चिंटू ने जो प्रॉपर्टी के पेपर थे इसमें लिखा हुआ था कि चिंटू अपनी मर्जी से अपनी विलिंगनेस से वो घर उसे पचास लाख में बेचने को तैयार है उस पर साइन कर दिए उस पर साइन कर दिए बेटे अब सोचो रिप्लाई करना अप्लाई करना यहां पर बताओ 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 यहां मुझे बताओ एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा दिया गया तो क्या कोर्ट को सपने आ रहे हैं क्या कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ नहीं सर कोर्ट तो क्या करना भैया पेपर में साइन है हाउ यू एग्री कर रहे हैं सिंपल सी बात तो क्या हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा लिया गया एट द ऑप्शन बोलते हैं चॉइस को एट द ऑप्शन ऑफ ऑफ वन और मोर एक एक या एक से ज्यादा पार्टी की चॉइस पर या मर्जी पर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा लिया गया एनफोर्स करवा लिया गया मतलब मोन्टी या उसके दोस्तों ने मिलकर ऐसा कोई काम करवा लिया तो उन्हें बोलते हैं अग्रीमेंट को एनफोर्स करवा लिया गया और याद रखना अभी पढ़ के आए हो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लो क्या कहते हैं बताओ बताओ अभी पढ़ के आये हो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लो क्या होता है अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है? तो मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया अगर आप चेक करोगे यहां तक देखना यहां से लेके यहां तक अगर पढ़ोगे तो आइडिया मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया सर बट क्या कॉन्ट्रैक्ट बड़े प्यार से बनाए हाँ, सहमति से बनाया क्या म्यूचुअल कंसेंट से बनाया क्या नहीं बना सर तो क्या लोग क्या कहते हैं कि ऐसा अग्रीमेंट जिससे एनफोर्स करा दिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया एक या एक से ज्यादा यहाँ पे तो एक ही था ना मोन्टी और भी सकते एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर आगे पढ़ो आप कहानी अब चालू होती है बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स अदर अदर का मतलब पार्टी ने नाम दिया कि जिस भी पार्टी के साथ सुनना सुना, सुना समझना दे जिस भी पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती से डरा धमका के पार्टी कौन चिंटू की तो चॉइस नहीं थी चिंटू थोड़ी था कि करूंगा और चिंटू पहुंच गया बेटा कोर्ट में और कोर्ट जाके बोल गया मैं लुट गया बर्बाद हो गया देखो मोन्टी ने गन पॉइंट पे मुझसे साइन करवा लिए डराया था धमकाया इसने मुझे मैं डर गया था मैंने साइन कर दिए अब सुनना ट्विस्ट तो लोग कोर्ट क्या बोलेगा पता है जान लो आज से ऐसी कंडीशन जहां पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट गन पॉइंट पे डरा धमका किया गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन बाद में अगर वो अग्रीड पार्टी पहुंच जाती है कोर्ट में जाके तो उस केस में कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है सुनना ध्यान से कोर्ट उस अग्रीड पार्टी को ऑप्शन देता है चॉइस दे देता है वही सामान तो उसी का था ना और वही जगह बोल रहा है मैं तो बेचना नहीं चाह रहा था देखो सर ऐसा डराया मेरे को मेरे बच्चों कर लिया तो ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट उस अग्रीड पार्टी को ऑप्शन देता है कि भाई देख अब तेरे हाथ में तुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकता है यू हैव राइट टू रिजेक्ट दिख कॉन्ट्रैक्ट चाहे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था पहले बट तेरा राइट है कोर्ट उसे कंटिन्यू करने का राइट देता है कोर्ट उसे रिजेक्ट करने का राइट भी देता है या तो कंटिन्यू कर ले या फिर तू चाहे तो इसे रिजेक्ट भी कैंसिल भी कर सकता है तो ऐसे ऑप्शन मिलना किसको अग्रीड पार्टी को ऐसे ऑप्शन मिलना ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहलाता है वॉइड एबल वॉइड नहीं है वॉइड मतलब वॉइड होने लायक मतलब कोर्ट ने उसे बाद में ऑप्शन दे दिया कि तू चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है बस इतनी सी बात थी और इसी बात पे बन गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलो क्लियर है बोलो समझ में आया दिखा भी देता हूं देखो जरा आगे आगे देखो देखो तुम तुम्हारी चोस तुम्हारे आगे नहीं चलती मेरे बेटे तुम जो बोलोगे वो चलेगा क्लास में आओ क्या बोला सुनो 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 पहला वर्ड लिखा चलेगाबल कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन आई पढ़ना तो सेम लिखा हम लोगों ने एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लो एक अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा दिया गया

लिखो आओ, void है मैंने ध्यान रखना अग्रीमेंट नहीं लिखे बेटे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट समझते तो मैं अग्रीमेंट वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे नहीं क्या यूज करूंगा यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कोई कॉन्ट्रेक्ट नाम आ रहा है तो लिखो सेक्शन कौन सा है सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे आ गया तो वाइट कॉन्ट्रेक्ट क्या बड़ा प्यारा कॉन्ट्रैक्ट प्यारेक्ट सिंपल सा बाटा लिखो इसके बारे में फॉर तो एग्जाम्पल दूंगा इस पर मैं लिखो ए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखो विच ए कॉन्ट्रैक्ट विच सी स्पेल देख रहा क्या लिख रहा हूं सी -E -E ए एस ए कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला बेटा बताओ बताओ क्या बोला ए कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सोच के बताओ ना अग्रीमेंट लिखू यहां से नहीं सर वो तो अग्रीमेंट की बात अलग थी कॉन्ट्रैक्ट अलग है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल सीज का मतलब होता है रोकना स्टॉप को बोलते हैं सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ ने करने से रोक दिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था जब वर्ड ही कॉन्ट्रैक्ट आ गया मतलब आपका ऑफर समझ ना? बात करें हां बात करते हैं मतलब आपका ऑफर मतलब आपके एक्सेप्टेंस मतलब कंसिडरेशन मतलब अग्रीमेंट हो चुका था और अग्रीमेंट को एनफोर्स भी किया जा चुका था फिर क्या हो गया सर ऐसा क्या हो गया कह रहा ऐसा हो गया कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बावजूद भी लो ने सीज मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से रोक दिया स्टॉप कर दिया कि उसे एनफोर्स नहीं कर पाओगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं क्या बेटा लिखो सच कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म एस सच कॉन्ट्रैक्ट इज सैड टू बी नोन एज बोलो क्या बोलते हैं सैड टू बी नॉन एज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बिट्टे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था लेकिन बाद में लोगों करने से बना किया उसे क्या कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसे क्यों एग्जांपल देता तो हूं तुम लोगों को एग्जांपल समझो ध्यान से बात को चलो अच्छा पूछता हूं तुम लोगों को ठीक है ताकि तुम्हें आइडिया कि, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है पूछू समझना एग्जाम्पल लिखता हूँ चलो पूछता है नहीं हूं लिखो एग्जाम्पल फिर मैंने एग्जाम्पल समझ लो क्वेश्चन पूछा से मैं। रिप्लाई करना खाली ठीक है फर्स्ट मैंने कहा गुड लिखो गुड डू अग्रीज या कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी अग्रीज या लिख दू कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसने कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी छुई मुई छुई मुई हाँ छुई मुई छुई मुई गुड अग्रीज टू मैरिज छुई मुई ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर उन्तीस नवंबर की दोनों की शादी थी बेटा दोनों ने अग्री किया आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया शादी करेंगे बट आगे क्या लिखा तो बताओ जो इस शादी का अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है उन्तीस को शादी की डेट फिक्स हो गई है क्या बताओ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, है या नहीं है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं बना बन गया सर ऑफर एक्सेप्ट हो गया अब आगे बढ़ना सर बट बिफोर बट ऑन ट्वेंटी सेवन ऑफ नवंबर क्या हुआ बेचारे के साथ छुई मुई डाइड मर गई अब बताओ जब बंदा ही मर गया पर्सन ही मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या बोला हाँ जी कर लो ऐसा बताना जब बंदा ही मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा अब सोना क्वेश्चन पूछता हूँ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी स्पेसिफिक डेट को पूरा करने के लिए लेकिन उस डेट के आने से पहले ही बंदा मर गया मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया समझ है डिस्ट्रक्शन हो गया समझाऊंगा आगे टॉपिक आएगा डिटेल चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा ठीक है अभी समझ लो इस बात को कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था कॉन्ट्रैक्ट बना बनाया था लेकिन ऐसा कुछ हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर कुछ ऐसा हुआ कि अब लोग कह रहा भैया सॉरी हमको माफ कर दो हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते अब वो तो जीत करके बैठा है शादी करूं तो छुई मुई से करूं वरना ना करूं मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाओ हो आ गया नहीं होगा तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट लोग कह लो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से रोक देगा

सर व कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वाइट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर देखो सेक्शन नंबर क्या है सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन जे सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन जे क्या बोला था यही तो पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट विथ सीज इज सीज मतलब स्टॉप जिसे रोक दिया गया करने से टू बी एनफोर्स बाय लॉ इज नॉन एज क्या बोलते हैं इसको इसको कहते हैं वाइट कॉन्ट्रैक्ट याद रहेगा

सोचो जवाब दो मुझे क्या ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक हुआ आंसर या आपको ऑप्शन ढूंढने की पड़ेगी सोचो लगाओ दिमाग क्या अब देखो नोट्स नोट्स पढ़ने का फायदा, लिखने का फायदा फायदा लिखने में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं सर हमें पता आंसर इसका कौन सा है क्या ये वैलिड होगा क्या ये वॉइड होगा क्या ये वर्डेबल होगा या लीगल होगा सर सिंपल वर्डेबल यही मीनिंग सीख के आए थे हम लोग याद आया ना एक या एक जरा पार्टी की चॉइस पर बट दूसरी पार्टी उसके लिए एग्री नहीं थी याद आया ना आगे बढ़ते हैं ओके नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन पर पर नंबर सेक्शन नंबर टू सब सेक्शन ई बताना सेक्शन सेक्शन नंबर सब ई किसके लिए था याद करो ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन या अग्रीमेंट अग्रीमेंट याद आया तो पढ़ने का लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर क्या कहते हैं बताओ किसे कहते हैं ये, ये वाली डेफिनेशन किसकी थी पता है सर अग्रीमेंट की थी क्लियर हो गया आगे आते हैं अब बताओ, सारे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हो रहे, सर, हो रहे आ आओ. दिखाता हूं. Is, guys, अगले पे आ जाओ ये हम कर चुकेट ये तो हम पढ़ी नॉट एनफोर्स बाय लॉ इज सेवोड अंडर सेक्शन अब प्लीज, प्लीज 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 बड़ा काम की बात है ना यहां पर लिखा है अग्रीमेंट और वो भी कौन सा एक अग्रीमेंट वर्ड कहा जाएगा बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट लिखा था तो सेक्शन अलग हो जाता वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बट सेक्शन लिखा अग्रीमेंट जो कि वर्ड हो गया तो पूछे कौन से सेक्शन में तो कैन यू प्लीज टेल मी अग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा था इज इट ए एफ जी ई कौन सा था सर ये वाला बोलो अब सोच के देखो कितना आसान हो गया कितना आसान हो गया और बता देना चाहता हूं इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं क्या बात कर रहे हो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना हाँ, आएगा बेटा क्योंकि एक्चुअली जो प्रश्न आ चुके हैं आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिकली और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद चेक कर पा रहे हो अपने नोट्स की हेल्प से आप पूरे पार्ट को अटेंड कर पाएंगे क्योंकि हमारा क्लास का पैटर्न यही चलेगा नोट लिखेंगे बुक का पार्ट रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन करेंगे साथ वाले लास्ट चेक करो रहे हो लास्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं ये हम कर ही चुके थे कंसिड्रशन वाला पार्ट ये भी हमारा हो गया था खत्म हम कर चुके थे तो इससे कनेक्टेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं हम नोट लिख चुके हैं यही हमारा पैटर्न रहेगा अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गाना गाइए जाइए बाय बाय और टाटा सी यू अगेन कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे देन बाय बाय बेटा सी यू टेक take... हेलो बच्चों कैसे हैं आप मैं सी एस सी एम संतोष कुमार मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों जाए एट द द रीजनेबल कॉस्ट अंडर ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे बच्चों इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स से किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्फिडेंस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्फिडेंस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं मैं चाहता हूँ की आपसे शेयर करोल मिश्रा हेलो मैं अगर मैं संतोष सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ आपको